मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में सुभाष नगर फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर सारंग ने सुभाष नगर फ्लाईओवर को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद नरेला विधानसभा की जनता को सुविधा मिलेगी। वहीं मंत्री सारंग ने बताया कि मॉक ड्रिल कर ट्रैफिक को 1-2 घंटे चलाकर देखा जाएगा और यदि सब कुछ सुचारू हो गया तो जल्द ही फ्लाईओवर को चालू कर दिया जाएगा। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के टीएनसी अखिलेश अग्रवाल और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद थे। दूसरी ओर मेट्रो समेत सभी विकास कार्यों में देरी के लिए प्रदेश मंत्री ने पूर्व सरकार पर ठीकरा फोड़ा। आज सुभाष नगर फ्लाईओवर का हमने निरीक्षण किया। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के टीएनसी माननीय अखिलेश अग्रवाल जी भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी भी हैं। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको बनने के बाद बहुत बड़ी सुविधा हमारी नरेला विधानसभा की जनता को मिलेगी। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको हमने लगभग 2 साल पहले ही सैंक्शन करा के कंप्लीट कराया था, क्योंकि बीच में मेट्रो का काम भी शुरू हुआ और उसके बीच में जो कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई उसने सभी काम को ठप्प कर दिया, उसके कारण ये डिले हुआ था। आज हमने ईएनसी साहब के साथ यहाँ का दौरा किया है और मेट्रो के पिलर्स और हमारे जो मैदा मिल साइड जो फ्लाईओवर का ट्रैफिक में जो दिक्कत थी, कंजेशन था, उसकी आज किस तरह से उसका निदान हो सकता है उसके बारे में पूरा विचार किया है।